हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनीष कुंदवानी, मिडास फिजियो केयर से सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर समय थोड़े थोड़े समय में आपके लिए कुछ नए नए वीडियोस लेके आते हैं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए वो है वेरिकोस वेन के लिए एक्सरसाइज। बेसिकली वेरिकोस वेन्स होता क्या है, हम लोग के बॉडी में आर्टरीज होती है और वेन्स होती है। जो हमारा हार्ट है हमारे ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, वो आर्टरीज के थ्रू करता है। फिर जो दूसरे ऑर्गन से जो हमारा ब्लड होता है, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट तक वापस से पहुंचता है। बट होता क्या है, हमारे पैर के पीछे जो पिंडलियां हैं, पिंडलियों के आसपास जो वेन्स होती हैं, वहां से कितनी बार ब्लड ऊपर नहीं आ पाता है, उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ तो रीजंस ऐसे हैं जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, पर कुछ और बेसिकली देखा ही गया है कि महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। सो जिनका वेट कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है उनमें हमने थोड़ा सा ज्यादा देखा है वेरिकोस वेन्स, और जिनकी लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क रहता है, जैसे महिलाएं हैं दो दो तीन तीन घंटे तक किचन में लंबे समय तक खड़े रहने के कार्य रहते हैं, टीचर्स हैं जो लंबे समय तक खड़े रहकर काम करते हैं, तो जिन लोगों का लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क ज्यादा है उसमें देखा गया है कि जो वेन्स के थ्रू जो ब्लड ऊपर आना चाहिए वो ऊपर नहीं पहुंच पाता है और वो अपने पीछे पिंडलियों में ऐसे आपको नीले कलर की आपको वेन्स देखने को मिलती है, उसी को हम लोग वेरिकोस वेन्स बोलते हैं। अब इस वेरिकोस वेन्स अगर ये शुरुआती तौर पे है, स्टार्टिंग स्टेज में है, तो ये वेरिकोस वेन्स का हम लोग ट्रीटमेंट एक्सरसाइज और स्टॉकिंग्स, जो कि हमारे पैरों के लिए मोजे मिलते हैं मार्केट में, जो इजिली अवेलेबल है, आप अपने कहीं से भी मार्केट से ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप स्टॉकिंग्स और एक्सरसाइज के थ्रू इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। बट अगर आपकी वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम बहुत सीवियर स्टेज में है तो उसमें एक्सरसाइज और स्टॉकिंग्स का रोल ज्यादा देखने को नहीं मिलता। तो अगर आपकी प्रॉब्लम स्टार्टिंग स्टेज में है तो हम चलते हैं एक्सरसाइज देखने। इसके लिए बहुत सिंपल सी 4-5 एक्सरसाइज हैं जो कि आप रेगुलर करें। आप शुरुआत करें 5-5 सेकेंड से और 5 सेकेंड होल्ड से स्टार्ट करें। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ आपको ये एक्सरसाइज करने से फायदा मिल रहा है तो धीरे धीरे आप उसके रिपीटेशन भी बढ़ा सकते हैं और उसकी होल्डिंग्स भी बढ़ा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारी एक्सरसाइजेस की। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसको हम लोग टो स्टैंडिंग बोलते हैं, जिससे आपकी जो काफ की मसल्स है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज को। ऐसे हम लोग किसी भी सपोर्ट से पहले खड़े हो जाएंगे। सपोर्ट से खड़े होने के बाद हम लोगों को हमारे टोज पे धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करना है। इस प्रकार से 5 सेकेंड हम लोग इस प्रकार से खड़े रहेंगे। फर्स्ट पहले अपन टोज पे खड़े रहेंगे, ऐसे ही फिर अपन 5 सेकेंड हील्स पे खड़े रहेंगे। वापस करेंगे हम टोज पे 5 सेकेंड के लिए खड़े रहेंगे। इसी प्रकार हम लोग हील्स पे 5 सेकेंड खड़े। अपन को 5-10 रिपीटेशन से इसको स्टार्ट करना है। धीरे धीरे हम हमारे रिपीटेशन भी बढ़ा सकते हैं और होल्डिंग्स भी बढ़ा सकते हैं। जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है उसको हम साइकिलिंग बोलते हैं। इसमें हम स्ट्रेट इस प्रकार से लेट जाएंगे अपने पलंग पे। लेटने के बाद हमें साइकिलिंग करनी है। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइकिलिंग करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिससे हमारी काफ मसल और हैमस्ट्रिंग मसल्स जो टाइट है वो धीरे धीरे लूज होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। इस प्रकार से हमको लेटे लेटे साइकिलिंग करना है। पहले अपन एक डायरेक्शन में करेंगे 10-20 रिपीटेशन, उसी प्रकार से हम लोग रिवर्स करेंगे। इससे हमारी सभी मसल्स धीरे धीरे लूज होने लगेगी, जो कि टाइट होने की वजह से हमें पेन होने लगता है। जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है उसमें हम लोग ऐसे पलंग के कॉर्नर पे काउच पे आके बैठ जाएंगे। उसमें हम लोग को सबसे पहले पैर को स्ट्रेट ऊपर उठाना है। ऊपर उठा के पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो पीछे पिंडली में आपको खिंचाव महसूस होगा। इसको 5 सेकेंड होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करेंगे। दूसरे पैर के लिए भी पैर ऊपर उठाएंगे, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे, फिर हम लोग नीचे कर लेंगे। इसमें आपकी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए और आप इस एक्सरसाइज को ऐसे यूं भी कर सकते हैं। इससे भी आपकी काफ मसल्स धीरे धीरे लूज होगी और आपका रोटेशन इंप्रूव होगा। इसमें ऊपर उठा के पंजा अपनी तरफ इस प्रकार से, इससे आपकी काफ मसल में पूरा मूवमेंट होगा और जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा धीरे धीरे। फोर्थ एक्सरसाइज है, इस प्रकार से एक फॉर्म रोलर ले लेंगे।
या आपको कहीं भी मार्केट में मेडिकल शॉप्स पे फॉर्म रोलर मिल जाएगा। इसमें साइज आपके हिसाब से देख लीजिएगा, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। आप अपनी पिंडलियों के नीचे ऐसे फॉर्म रोलर रख लेंगे और अपने हाथ के सपोर्ट से धीरे धीरे आप इसको ऐसे रोल करेंगे, जिससे आपकी काफ की मसाज भी हो जाएगी और स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी। जब आप करके उठेंगे, आप उसी टाइम महसूस करेंगे कि आपको काफ में बहुत रिलीज लग रहा है और वेरिकोज वेन से काफी सारा फायदा मिल रहा है। शुरुआत में आप जितना कर सके धीरे धीरे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको बढ़ा दीजिए। जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो हैमस्ट्रिंग और काफ की स्ट्रेचिंग है। इसमें हम लोग एक टॉवल ले लेंगे, इस प्रकार से अपने दोनों हाथ से पकड़ लेंगे, धीरे धीरे पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे। सीधा उठा के जहां आपको खिंचाव महसूस होने लग जाए आपकी पीछे वाली मसल्स में, तो आपको अपने पंजे को अपनी तरफ खींचना है। जब आप पंजा अपनी तरफ खींचेंगे तो आपको आपकी पिंडलियों में और नीचे थाइस के पीछे वाली मसल में स्ट्रेच फील होगा। 5 सेकेंड तक आप फील करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। फिर से करेंगे, धीरे धीरे ऊपर ले आएंगे। जहां आपको स्ट्रेच आने लग जाए वहां आप अपने पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, 5 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, तो आपको पीछे थाइस के पीछे और आपकी पिंडलियों में पूरा खिंचाव महसूस होगा। उस खिंचाव को आपको 5 से 10 सेकेंड तक फील करना है, फिर धीरे धीरे आप अपने पैर को खींचें। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब आसान सी कसरत आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाले वीडियोस भी आप तक पहुंच सकेंगे। और हमारा चैनल फेसबुक पे भी मिडास फिजियो केयर के नाम से और इंस्टाग्राम पे भी मिडास फिजियो केयर के नाम से है, तो आप चाहें तो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, जिससे हम नई नई प्रॉब्लम्स को लेकर नए नए वीडियोस लेकर आप तक पहुंच सकें। और आपको आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में अपने बुजुर्गों का और बच्चों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अभी भी कोविड सिनेरियो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। सो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहे। बहुत बहुत